नमस्कार, मैं डॉक्टर मयूरी कोठीवाला हूँ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेकोलॉजी एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट जयपुर से। आपका फिर से स्वागत है आपके फेवरेट चैनल में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस चैनल में महिलाओं से रिलेटेड सारी उनकी प्रॉब्लम्स, उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं, लेकिन आज का ये जो मेरा वीडियो है वो थोड़ा स्पेशल है। ये दोनों महिलाओं और पुरुषों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगी जो दोनों फीमेल्स और मेल्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, और अगर हम उसको ठीक करें तो दोनों के लाइफ्स में काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो है कीगल्स एक्सरसाइज के ऊपर। कीगल्स एक्सरसाइज क्या होती है, किस मसल की एक्सरसाइज होती है कीगल्स एक्सरसाइज, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, मेल्स और फीमेल्स में कीगल्स एक्सरसाइज नहीं करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको हो सकती हैं, कीगल्स एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट, कीगल्स एक्सरसाइज करने के लिए आजकल जो डिवाइसेस आ गई हैं जिसमें आपको पसीने का एक बूंद नहीं बहा के और 11,000 12,000 कीगल्स एक्सरसाइज आप आधे घंटे में कर सकते हो, उन सब मशीन्स के बारे में भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो कीगल्स एक्सरसाइज क्या होती है? कीगल्स एक्सरसाइजेस वो एक्सरसाइजेस हैं जो आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रेंथनिंग के लिए नीडेड है। आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स की स्ट्रेंथ बिल्डअप करने के लिए हमेशा आप अपने गायनेक के पास जाते हैं तो वो आपको एडवाइस करते हैं कि आपको कीगल्स एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो कीगल्स एक्सरसाइज के बारे में बताने से पहले मैं आपको पेल्विक फ्लोर मसल्स के बारे में बताना चाहूँगी, ताकि आपको ये वीडियो को आगे समझने में हेल्प मिले कि पेल्विक फ्लोर मसल्स कौन सी होती हैं, किन मसल्स को आपको टारगेट करना है या ट्रीट करना है, किन की एक्सरसाइजेस करनी है। तो पेल्विक फ्लोर मसल्स आपके पेल्विस की सबसे निचली मसल्स हैं। जब भी आप पेशाब रोकने की कोशिश करते हैं या लैट्रिन रोकने की कोशिश करते हैं या गैस रोकने की कोशिश करते हैं, तो आप ज़ोर से उनको जब स्क्वीज़ करते हैं वो मसल्स आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स होती हैं। तो पेल्विक फ्लोर मसल्स का जो फंक्शन है, जो इम्पॉर्टेंस है, वो आपके ऑर्गन्स को सपोर्ट करके रखना, जो आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं, जो आपका पेट है, उसके अंदर जितनी भी ऑर्गन्स हैं, उन सब का प्रेशर आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स पे आता है। पेल्विक फ्लोर मसल्स आगे से आपके यूरेथ्रा, ब्लैडर और पीछे आपके एनस तक सारे ऑर्गन्स को सपोर्ट करके रखती हैं। तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, इनके स्ट्रेंथनिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रेगनेंसी के बाद जब एक महिला 9 मंथ्स तक एक बच्चे को अपने पेट में कैरी करती है, तो उसका भार सारा का सारा पेल्विक फ्लोर मसल्स पे आता है। साथ ही साथ आपकी एजिंग भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, पेल्विक फ्लोर मसल्स आपकी वीक होती जाती है। मीनोपॉज के बाद जब आपके पीरियड्स बंद हो जाते हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन आपकी बॉडी से कम हो जाता है, उस टाइम पे सडनली बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है पेल्विक फ्लोर मसल्स में। यहाँ तक कि मेल्स में भी जब एजिंग होती है तो पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो जाती हैं। ये केवल डिलीवरी या महिलाओं की प्रॉब्लम नहीं है, ये मेल्स में भी बहुत कॉमन है। और दूसरा कारण मेल्स में होता है प्रोस्टेट सर्जरी। जब भी प्रोस्टेट की सर्जरी होती है उसके बाद पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस देखने को मिलती है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि पेल्विक फ्लोर मसल्स एक झूले की तरह, एक हैमक की तरह है, जो साइड से तो सपोर्टेड है लेकिन बीच में से उसको कोई सपोर्ट नहीं है, और वो सारा का सारा भार आपका उठा रही है। तो जब वो मसल स्ट्रांग रहेंगी, टाइट रहेंगी, तो आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करके रखेंगी और इजीली उनका वेट बियर करेंगी। आपको पेट में अगर जोर पड़ेगा, प्रेशर आप लगाओगे, खांसोगे, छींकोगे, उल्टी आएगी या कब्जी के टाइम पे प्रेशर लगाओगे, तो मसल्स उसको झेल पाएंगी। लेकिन अगर आपके मसल्स वीक हैं, तो आपके जैसे प्रेशर वाले टाइम होते हैं, जब आपको प्रेशर पड़ता है पेट पे खांसने छींकने से, उल्टी से या कब्जी से, या आप कोई भारी काम कर रहे हैं, हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, स्क्वाट्स कर रहे हैं, उस टाइम पे वो मसल्स आपका वेट बेयर नहीं कर पाती और वो नीचे आ जाती हैं। तो उस टाइम पे ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि यूरिन का लीक होना, गैस का पास होना, शरीर का बाहर आ जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस से होती हैं। तो आपको अब समझ में आया होगा कि पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखना कितना ज़रूरी है। अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ आप अच्छी करना चाहते हैं, आप
ये प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना चाहते हैं तो आपको पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रेंथन करना होगा। हम सभी जिम जाते हैं, वहाँ पे वर्कआउट्स करते हैं, सारी मसल्स की ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन पेल्विक फ्लोर मसल एक ऐसी नेग्लेक्टेड मसल है जिस पे कोई ध्यान नहीं देता, और सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो महिलाओं में होती हैं उम्र के साथ और कुछ हद तक पुरुषों में भी होती हैं, वो सब पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस से होती हैं। तो पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस को ओवरकम करने के लिए या उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए जो एक्सरसाइजेस नीडेड हैं वो कीगल्स एक्सरसाइज कहलाती हैं। कीगल्स एक्सरसाइज में आपको अपना निचला हिस्सा स्क्वीज करना है, जैसे कि आप पब्लिक प्लेस में बैठे हैं और आपको ज़ोर से पेशाब लगता है तो आप होल्ड कैसे करते हो, आप उसको स्क्वीज करते हो एकदम टाइट, वैसे ही आपको स्क्वीज करना है। 3, 10 जितना भी आपको कंफर्टेबल हो उतने सेकेंड्स तक उसको होल्ड करना है, फिर उसको उतने ही देर तक वापस से रिलीज़ करना है, रिलैक्स करना है, और फिर होल्ड करना है, फिर रिलीज़ करना है, होल्ड करना है, रिलीज़ करना है, ऐसे करके आपको काफ़ी सारे रेपिटेशंस करने होते हैं इस एक्सरसाइज के। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आप एक्सरसाइज में 10-15 दिन 20 दिन आपको हो जाए करते करते, आप इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। अगर आपने 10 सेकेंड होल्ड किया था, पहले स्टार्ट किया था 10 सेकेंड से, तो आप इसको धीरे धीरे बढ़ा के 20 सेकेंड 30 सेकेंड तक लेके जा सकते हैं। कीगल्स एक्सरसाइज को करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप लेट के भी कर सकते हैं, आप बैठे हुए हैं कहीं पे, आप ऑफिस में हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में हैं तो भी आप कर सकते हैं, खाना खाते हुए, खाना बनाते हुए, कैसे भी आप इसको कर सकते हैं। तो इसमें कोई आपको अलग से जाके कोई जिम में जाके या ट्रेनर की हेल्प लेके और वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्रॉब्लम को होने का वेट मत करो। आपको अगर कोई सिम्टम नहीं है वीक पेल्विक फ्लोर मसल के, तो उसके डेवलप होने का वेट मत करो, आप अभी से कर सकते हैं। ये एक्सरसाइजेस हर कोई कर सकता है, यंग से लेके ओल्ड तक सबको ये करनी चाहिए जब भी उनको टाइम मिलता है, ताकि आपको प्रॉब्लम्स हो ना। आपको हमेशा प्रिवेंशन के बारे में सोचना चाहिए, ना कि ट्रीटमेंट के बारे में। एक बार प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो उनको ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल रहता है, इसीलिए बेटर रहेगा कि आप अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स को टाइमली स्ट्रेंथन करते रहिए। कीगल्स एक्सरसाइज कैसे करनी है ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है जब भी हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आपको कीगल्स एक्सरसाइज करनी है। पेशेंट हमारे पास पहली बात तो तभी आते हैं जब उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, यूरिन उनको लीक हो रहा है खांसने छींकने से, या फिर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं यूरिन को, या फिर उनका शरीर बाहर आने लगा है, या लैट्रिन के रास्ते में उनको लीकेज हो जाता है खांसने छींकने से, या फिर गैस निकल जाती है। ये बहुत सारी कंप्लेंट्स उनकी रहती हैं। तो जब हम उनको एडवाइस करते हैं कीगल्स एक्सरसाइज करने के लिए, तो जो उनकी मसल्स ऑलरेडी वीक हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी हैं, उनको बहुत टाइम लगने वाला है स्ट्रेंथनिंग में। आप 1-2 महीना करके और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सारे आपके सिम्टम्स चले जाएंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपकी मसल्स पहले ही बहुत कमज़ोर हैं, तो उनको बहुत टाइम लगता है रिकवरी में। आपको लगातार एक्सरसाइजेस करती रहनी पड़ती हैं, और एक बार ठीक, अगर आपका सिम्टम ठीक भी हो जाए या उसमें फ़र्क पड़ जाए, फ़ायदा पड़ जाए, तो भी आपको ये एक्सरसाइजेस छोड़नी नहीं है। क्योंकि आप इस चीज़ को समझिए, आपकी एज बढ़ रही है, आपकी मसल्स वीक हो रही हैं, तो उसको मेंटेन रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आप 4-6 महीना एक्सरसाइज करके आप ये एक्सपेक्ट करें कि वो हमेशा के लिए काम हो गया आपका। तो जैसे बॉडी को मेंटेनेंस चाहिए, बाकी मसल्स को, बाकी बॉडी के पार्ट्स को भी टोनिंग एक्सरसाइज चाहिए, वैसे पेल्विक फ्लोर को भी रेगुलरली आपको एक्सरसाइज करते रहना पड़ता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये सबसे पहले आती है कि पेशेंट बहुत जल्दी ही थक जाते हैं, हार मान लेते हैं कि नहीं अब कोई रिजल्ट तो आ नहीं रहा, अब क्या करें एक्सरसाइज करके। कंसिस्टेंटली वो एक्सरसाइजेस नहीं कर पाते। वो हम एडवाइस करते हैं कि आपको कम से कम 3-4 रिपीटेशंस डेली करने हैं, लेकिन एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के वो एक्सरसाइजेस करते हैं, रेगुलरली नहीं कर पाते, कभी भूल जाते हैं, कभी बाहर गए हैं तो नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे रीजंस होते हैं उनके एक्सरसाइजेस रेगुलर नहीं करने के, और जब आप एक्सरसाइजेस रेगुलरली नहीं करते हो, आपको अपने प्रॉब्लम्स में कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। तो ये प्रॉब्लम आती है कीगल्स एक्सरसाइज के साथ। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ही सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन बता रही हूँ, जो है एम्सेला चेयर। एम्सेला चेयर एक अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, एक रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, जो लास्ट 15-20 ईयर्स से मार्केट में है। ये चेयर थेरेपी आपको कीगल्स एक्सरसाइज करवाती है, मात्र 28 मिनट में 11-12 हज़ार कीगल्स एक्सरसाइजेस करवा देती है।
तो इसके रिजल्ट्स भी बहुत अमेजिंग हैं। ये आपको 2 से 3 हफ्ते में इसके रिजल्ट्स दिखाई देते हैं, जो कीगल्स आप 3, 4, 5 महीने में करेंगे और उसके शुरुआती रिजल्ट आपको तब जाके दिखेंगे, वो रिजल्ट्स इस मशीन से आपको 2 से 3 हफ्ते में दिखाई दे जाते हैं। इसके जो एक्सरसाइज कराने की पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी आते हैं। दूसरा, इसमें हफ्ते में 2 बार आपको एक थेरेपी लेनी पड़ती है, 28-28 मिनट की आपको थेरेपी होती है, तो इसमें रेगुलरिटी मेंटेन रहती है। पेशेंट को पता है कि उनको बस 3 हफ्ते का ट्रीटमेंट लेना है, उसके बाद उनको कुछ नहीं करना है। घर पे आप मेंटेनेंस के लिए कीगल्स कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंपलसरी नहीं है। करते हैं तो आपके रिजल्ट्स लंबे टाइम तक चल सकते हैं, तो इसीलिए पेशेंट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं इसके साथ। दूसरे फायदे ये हैं कि इसमें पेशेंट को कुछ नहीं करना पड़ता, आपको बस आके बैठना है चेयर पे, वो चेयर आपको अपने आप एक्सरसाइजेस करवा देती है। उसमें से वेव्स निकलती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स को हिट करती हैं या फिर स्टिमुलेट करती हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। जो आप खुद से कर रहे हो, जिस पावर से आप कर रहे हो, उससे आप ऐसे समझ लो कि 3 से 4 गुना ज़्यादा पावर से वो मशीन आपकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के बहुत सारे साइकिल्स वो आधे घंटे में करवा देती है। तो ये थेरेपी बहुत ही कंफर्टेबल होती है पेशेंट के लिए। आप इमेजिन करिए, आपको कसरत करनी है, क्रंचेस करने हैं, 11,000 क्रंचेस आप करते हो आधे घंटे में, उसमें आपको एक पसीने की बूंद नहीं आती। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। पेशेंट आते हैं हमारे पास, बैठते हैं, आधे घंटे तक वो अपने बाकी जो भी पेंडिंग काम है वो करते हैं, कुछ ऑफिस वर्क है वो आप बैठे बैठे कर सकते हो, आपको कोई स्टोरी बुक पढ़नी है आप वो पढ़ सकते हो, आपको कुछ नहीं करना है उस चेयर पे, आप टीवी देख सकते हैं। इससे ज़्यादा रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी चीज़ है जो मार्केट में अवेलेबल है। तो ये जो एम्सेला ट्रीटमेंट है, एम्सेला चेयर का जो ट्रीटमेंट है, वो आपको हफ्ते में 2 बार लेना होता है 3 हफ्ते के लिए, और एक सेशन का टाइम होता है 28 मिनट। इस 28 मिनट में वो आपको 11 से 12 हज़ार कीगल्स तक की एक्सरसाइजेस करवा देती है। तो टोटल आपके 6 सेशन में 95% तक आपकी प्रॉब्लम कम हो जाती है। उसके बाद अगर नीडेड है तो 1-2 सेशन हो सकता है आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से डॉक्टर आपको और एडवाइस करे, अदरवाइज 6 सेशन मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए सफिशेंट रहते हैं। उसके बाद आप 3 से 6 महीने में 1 सेशन मेंटेनेंस के लिए ले सकते हो, और जैसे जैसे आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स की स्ट्रेंथ वापस आती जाएगी, आपके मेंटेनेंस सेशंस कम भी हो जाते हैं टाइम के साथ। लेकिन आप यहाँ पे ये ना सोचे कि मेंटेनेंस लेना पड़ेगा तो आप कुछ करें ही ना, क्यों कराएं हम ट्रीटमेंट जब मेंटेनेंस लेना पड़ेगा। लोग मेंटेनेंस के नाम से बहुत डरते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकली सोचिए, आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, हम उस उम्र को नहीं रोक सकते। उस बढ़ती उम्र के साथ, चेंजिंग हॉर्मोन्स के साथ, जो भी शरीर में चेंजेस आ रहे हैं, जो भी वीकनेस आ रही है, बदलाव आ रहे हैं, हम उसको नहीं कंट्रोल कर सकते। तो इसीलिए हर ट्रीटमेंट का मेंटेनेंस चाहिए होता है। आप एक दिन कसरत करके आप ये सोचें कि मेरे को साल भर या पूरी लाइफ लॉन्ग अब आगे एक्सरसाइज की नीड नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। तो मेंटेनेंस आपको लेना पड़ेगा, आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये एक पॉजिटिव चीज़ है, आपको कॉन्स्टेंटली आपको प्रॉब्लम फ्री रहना है तो आपको उसका मेंटेनेंस लेना ही पड़ता है। तो उस मेंटेनेंस के नाम पे आप ट्रीटमेंट ना लें, ये ठीक बात नहीं है। आप अगर खुद से भी कीगल्स एक्सरसाइज करते हैं तो मेंटेनेंस आपको लाइफ लॉन्ग रखना पड़ता है। तो अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे महिलाओं में यूरिन का लीक होना खांसने छींकने से, या फिर शरीर का बाहर निकलना, लैट्रिन को कंट्रोल नहीं कर पाना, गैस कंट्रोल नहीं कर पाना, ये सारी प्रॉब्लम्स अगर उनको हैं तो आपको ज़रूर ये थेरेपी लेनी चाहिए। साथ में अगर आपको नहीं भी है तो देखिए, प्रोफाइल एक्सेस, जैसा कि मैंने कहा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आपको इसके थेरेपी जो है अपने प्रिवेंशन के लिए, अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी आप इसको ले सकते हैं। आपको प्रॉब्लम के होने का वेट नहीं करना चाहिए। मेल्स में ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखा गया है कि मेल्स में जब पेल्विक फ्लोर मसल्स टाइट होती हैं या वो कीगल्स एक्सरसाइजेस जब ढंग से करते हैं तो मेल्स में जो यूरिन लीकेज का प्रॉब्लम है वो कंट्रोल हो जाता है। साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में भी इसकी हेल्प मिलती है इम्प्रूवमेंट करने के लिए। आपको अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है मेल्स के अंदर, अगर इरेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर प्री मेच्योर इजैक्युलेशन, यानी कि बहुत देर तक वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जल्दी उनका वीर्य निकल जाता है, तो
उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल होती हैं कीगल्स एक्सरसाइजेस। तो कुल मिला के ओवरऑल मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही एम्सला चेयर या फिर कीगल्स एक्सरसाइजेस इनका बहुत बड़ा रोल है। आपके सेक्सुअल रिलेशन, आपके इंटीमेट रिलेशंस के लिए भी इसका बहुत बड़ा रोल है। तो यहाँ पे मैं यही आपको बार बार एम्फोसाइज करना चाहूँगी कि ये जो चेयर थेरेपीज़ हैं आजकल अवेलेबल, हमने देखा है पेशेंट्स को कितना भी हम समझा लें वो एक्सरसाइजेस को इतनी शिद्दत से, इतने सिंसियरली नहीं कर पाते हैं। कर भी लेंगे तो 2-3 महीना कर लेते हैं, उसके बाद वो नहीं कर पाते और इतनी इंटेंसिटी से वो नहीं कर पाते, जितनी स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइजेस चाहिए वो नहीं कर पाते। तो इसीलिए ये रिवॉल्यूशनरी चेयर्स जो है बहुत अच्छा ऑप्शन प्रूव हो रहा है आजकल सभी के लिए, दोनों महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए भी, और ये एक ईजिएस्ट वे है जब आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो था पेल्विक फ्लोर मसल्स, कीगल्स एक्सरसाइजेस, उनकी इम्पॉर्टेंस और कीगल्स एक्सरसाइजेस करने के फ़ायदे इसके ऊपर। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको कुछ हद तक एनलाइटन करेगा अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स का ध्यान रखने के लिए। आप हमेशा, मेरा एडवाइस यही रहता है कि प्रॉब्लम होने का वेट नहीं करिए। आप उससे पहले अगर कुछ कर सकते हैं कि प्रॉब्लम ना हो, अगर आप प्रिवेंशन कर सकते हैं तो आप प्रिवेंशन करिए, और अगर आपको प्रॉब्लम हो भी गई है तो उसको इनिशियल स्टेज पे ही आप करेक्ट करवाइए। आप डॉक्टर के पास जाने से मत कतराइए कि जाएंगे तो ये इलाज हो जाएगा, वो दवाइयाँ चला देंगे या फिर कुछ सर्जरी बोल देंगे। देखिए, जो आपके लिए नीडेड है वो ही डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा, कुछ भी आलतू फालतू एडवाइस नहीं करते हैं। अगर आपको सर्जरी की नीड है तो सर्जरी करनी ही पड़ती है, चाहे आप अभी कराएं, चाहे उसको 4-5 साल प्रॉब्लम को और बड़ा करके करवाएं, लेकिन वो करवानी पड़ती है अल्टीमेटली। तो इसलिए टाइमली डिसीजंस, टाइमली विजिट्स डॉक्टर के पास बहुत ज़रूरी हो गई हैं आजकल। अगर आप अपनी हेल्थ का इम्पॉर्टेंस समझते हैं तो आप इस चीज़ को ज़रूर समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि पेल्विक फ्लोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, वो किसी भी एज का हो। ये मसल्स का स्ट्रेंथनिंग बहुत ज़रूरी है ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम्स ना हो, जैसे कि यूरिन का लीक होना या शरीर का बाहर निकलना या फिर मेल में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और इंटीमेट रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आना, ये सब कॉमन है लूज पेल्विक फ्लोर मसल्स के साथ। तो इसीलिए आप इस चीज़ पर भी ध्यान दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।